नमस्कार दोस्तों, मैं नहाकर आ चुकी हूँ। मैंने उठकर सबसे कई काम होते हैं उठकर, जैसे कि निभी के कपड़े भी हमें ही वॉश करना पड़ता है क्योंकि हमें काम वाली नहीं आती है इस समय और बोलती है मुझे छोटे छोटे काम कपड़े धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग निभी के कपड़े खुद वॉश करते हैं। कभी मम्मी वॉश कर लेती है, कभी फिर मैं वॉश करती हूँ क्योंकि उसके कपड़े तो ऑलरेडी दिन भर ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ इसलिए अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना होगा दुकान को, सब सारे लोग दुकान जाएंगे, लेट होगा, इसलिए मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। फिर उसके बाद निभी को हम लोग दलिया देते हैं सुबह दूध के साथ, क्योंकि अभी बहुत छोटी है इसीलिए उसको दलिया खिलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दलिया हेल्दी भी होती है इसलिए उसे भून के रख लेते हैं हम लोग ताकि कुछ दिनों के लिए चल जाए। अब वो भी ख़त्म हो चुकी है तो मैं जाके नीचे दलिया भूनूंगी, फिर दलिया बनाऊंगी उसके लिए, क्योंकि उसके लिए दलिया बिना नहीं चल सकता है, इसलिए मैं उसके लिए दलिया बनाऊंगी। कभी कभी मैं दाल के साथ भी उसे दलिया देती हूँ, जैसे कभी बॉइल कर एक साथ पका लेती हूँ, फिर उसको दूध में भी दे देती हूँ, फिर क्या कहते हैं दाल के साथ भी ऐड करके दे देती हूँ या फिर चावल खा लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं उसे छोटे से ही सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके देती हूँ ताकि जो उसकी पचाने की क्षमता है वो बनती रहे उससे, और उसे किसी प्रकार का इकट्ठा खिलाओ तो कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम उसको सारी चीज़ें खिलाते हैं। लेकिन दलिया सुबह तो देते ही हैं ब्रेकफास्ट में, उसको थोड़ी सी खा लेती है, वो बड़े शौक से खा लेती है। मैं कभी उसका डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी, हो सकता है आज कर दूँ, कल कर दूँ, किसी दिन ज़रूर करूँगी क्योंकि टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। सो चलिए मैं आपसे नीचे मिलती हूँ। ये देखिए मैं दलिया भून रही हूँ, अब इसे मैं धीरे धीरे भूनूंगी। इसमें अगर ज़रा सा घी ऐड कर दिया जाए तो दलिया बहुत ही अच्छी भुनती है और इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आ रहा है। मैं इसे और थोड़ा सा भूनूंगी हल्का हल्का, देखिए कलर कितना ब्राउन सा हो गया है, इसमें दलिया का टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है। मैंने दलिया के बाद रोटी भी सेकी क्योंकि इतनी इस समय ऐसा लगता है कि सबसे पहले रोटी सेक के रख दो क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ फिर रोटी सेकना पॉसिबल नहीं हो पाते। ये देखिए मैं अब रोटी सेक रही हूँ, इसके बाद मैं सेक रख दूँगी ताकि फिर जब लोग बाग आते हैं हमारे घर के सब शॉप वाले एक एक करके आते हैं तो टाइम लग जाता है, इसलिए देखिए मैं रोटियां सेक के रख दूँगी। देखिए मैंने अब फ्राई पैन रख दिया, मैं इसमें जीरा और राई डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से थोड़ा तड़का लग जाए, लाल हो जाए। इसमें मैंने अदरक मिर्ची लहसुन का पेस्ट डाला है, अगर आप इस पेस्ट को थोड़ा सा कूट के डालेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है क्योंकि भी ये बहुत अच्छे से पक जाता है। आप देखिए मैंने इसमें प्याज भी डाला है। इसके बाद मैं कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी, अब पकेंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आता है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। मैं तो दाल फ्राई ऐसे ही करती हूँ और हमारे घर में थोड़ा दाल फ्राई ही पसंद करते हैं, इसलिए जब रोटी वगैरह सिक जाती है तो लास्ट में दाल फ्राई कर देती हूँ ताकि सब लोग अच्छे से खा लें। ये देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने गैस सिम पे रख दिए हैं, अब इसमें कस्तूरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। ये टमाटर डाला मैंने क्योंकि येलो येलो में रेड रेड टमाटर बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाती हूँ क्योंकि इसमें फिर वो अजीब सा दिखता है। ये देखिए मैंने ढक दिया है, अब ये देखिए आप लोग दाल का कलर, वाओ कितना अच्छा आ गया। इसे आप थोड़ा मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा और आ जाएगा। अब मैं रूम में आ चुकी हूँ, ये देखिए मैं कंघे कर रही हूँ। अभी बहुत हमारे यहाँ थोड़ा लेट खाना हो जाता है तो लेट हो जाती हूँ, अब मैं कंघे करूँगी। ये देखिए मैं अपने बालों को सुलझा रही हूँ, सुबह टाइम नहीं मिलता जल्दी जल्दी के कारण, इसलिए अभी टाइम मिलता है इसलिए मैं अब कंघे कर रही हूँ। इसके बाद मैं कपड़े की घड़ी करूँगी क्योंकि शाम हो जाती, कहते हैं शाम को बच्चों के कपड़े नहीं छोड़ना होता है, इसलिए मैं उस बच्चों के सबसे पहले उठाती हूँ कि भूल ना जाऊँ। इसलिए देखिए आप लोग कि मैं अब कपड़े की घड़ी कर रही हूँ। ये दीदी
नन्नू को मेहंदी लगा रही है। देखिए लोग ने कौन देख ली है, तो अब बस इन्हें मेहंदी लगाना है। हमारी निधि खेल रही है, एक्चुअली उसकी ना तबीयत ठीक नहीं है, कल से 2 दिन हो गए हैं, इसलिए मैंने कल उसे वीडियो में नहीं लाया था। पता नहीं उसे क्या हो गया, उसके शायद दांत आ रहे हैं, इसलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और ये नानू, नानू सबसे ज़्यादा शैतान लड़की है, और नन्नू को भी अपनी सारी शैतानियाँ उसने सिखा दी हैं, और निवि को भी सारा दिन परेशान करती है वो। हेलो फ्रेंड्स, कई लोगों ने मेरा इंट्रो पूछा है कमेंट में, तो मेरा नाम वर्षा अग्रवाल है, और शादी के बाद मैं सिंगल लिखने लगी हूँ, क्योंकि इनका शाकिर सिंगल है, इसलिए मैं वर्षा शाकिर सिंगल लिखने लगी हूँ। और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, एक्चुअली छत्तीसगढ़ और एमपी में, एमपी बॉर्डर में ही मेरा घर है जहाँ मैं रहती हूँ। मैं रामनगर में रहती हूँ, और सीजी मरनगढ़ सीजी में आता है। एक्चुअली हमारा घर रामनगर में है, और हमारा सारा मतलब पढ़ाई लिखाई कॉलेज सारी चीज़ें मरनगढ़ से ही है, क्योंकि रामनगर कॉलरी एरिया है, पूरी कॉलरी है, वहाँ पे जितने भी एरिया हैं छोटे छोटे वो कॉलरी एरिया है। तो हमारी सारी पढ़ाई लिखाई शॉपिंग सारी चीज़ें मरनगढ़ से होती हैं, वो छत्तीसगढ़ में आता है, और हमारी सारी पढ़ाई कॉलेज सब चीज़ मरनगढ़ से हुआ है। और फिर शादी मेरी चंदिया में हो गई है। बस मेरे मेरे दो भाई हैं, मैं अकेली हूँ अपने घर में, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई भी है। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। लोग बाकी कमेंट आ रहे हैं कि मेरा वीडियो बहुत छोटा होता है, लेकिन मैंने आज कोशिश की है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा, मुझे इतना विश्वास है। सो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और खूब सारा ऐसे कमेंट में बताते जाएगी मैं। एंड बाय एंड थैंक यू।